Good evening, students. I'm Ajay Karmarkar. Before starting this video, I would like to say something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, then note it and proceed further. And although you are facing any problem or difficulties, please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel. That can reach more and more students. Thank you, students. आज हम बात करेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स और सर्कुलर मोशन. देखिए दोनों में कुछ फर्क है. सेंट्रीपेटल फोर्स एक फोर्स है जिसकी यूनिट न्यूटन है और सर्कुलर मोशन मतलब एक पाथ से रिलेटेड है. अब यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है वो कहाँ से मिलता है और किस प्रकार मिलता है. देखिए सेंट्रीपेटल जो फोर्स होता है वो किसी न किसी रूप में कन्वर्ट हो जाता है. आई मीन टू से इट इज कन्वर्टेड इन टू अनदर फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दैट हियर डिपिक्टेड ऑल द पिक्चर्स. यू कैन सी दैट हियर Here a thread is tied with a finger and another end is tied with a stone. And whenever we have to going to move, इसको हम घुमाते हैं. तो घुमाते हैं तो क्यों घूम रही है ये सर्कुलर पाथ? क्यों घूम रहा है सर्कुलर पाथ में क्यों घूम रहा है? क्योंकि ये धागे से लगा हुआ है, धागे से बंधा हुआ है और धागे में होता है टेंशन. तो ये टेंशन फोर्स जो है ये प्रोवाइड करता है सेंट्रीपेटल फोर्स, राइट? पहले एग्जाम्पल हमारा हो गया. अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पर अंदर है किसी एटम के अंदर प्रोटॉन. प्रोटॉन के अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज और बाहर होता है इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. क्यों घूमता है ये? क्योंकि इसके बीच में जो फोर्स होता है वो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe 1/4πε0q1q2/r2. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और इस फोर्स की वजह से इसको सेंट्रीपेटल मिलता है, ठीक है. इसी प्रकार से हम तीसरी कंडीशन पर आते हैं. ये है हमारी अर्थ और ये है मून. और ये मून जो होता है वो आप सभी जानते हैं कि रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. क्यों घूमता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूमता है जिसकी वैल्यू होती है F=gma2/r2. इसी प्रकार से अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दी जाए तो वो चार्ज घूमने लग जाता है सर्कुलर पाथ में और उसकी वैल्यू होती है qvb. यहाँ q मतलब चार्ज की वैल्यू है, B मतलब वेलोसिटी है और B मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना. तो यहाँ पर भी ये गोल गोल घूमने लग जाता है. हम इसका जो यूज है, इसका जो उपयोग है, हम 12th क्लास में करेंगे. इसका भी जो यूज है Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका भी यूज जो है 12th क्लास में आएगा. अब यहाँ पर एक बाइकर है, बाइक राइडर जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है. तो यहाँ पर सर्कुलर पाथ में क्यों घूम रहा है, क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि टायर और जमीन के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन, अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या गोल गोल घूम पाता? नहीं घूम पाता. तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रीपेटल इसको कहाँ से मिल रहा है? इसको सेंट्रीपेटल मिल रहा है फ्रिक्शन से. तो आपने इन एग्जांपल से समझ लिया कि सेंट्रीपेटल जो होता है वो किसी न किसी फॉर्म में मिलता है, ठीक है. तो सबसे पहले सेंट्रीपेटल फोर्स और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या होता है, अब हम इसे समझते हैं. यहाँ पर हम एक रेफरेंस सर्कल लेते हैं. रेफरेंस सर्कल का मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ को समझाने के लिए जिस डायग्राम का यूज़ करते हैं उसे हम रेफरेंस कहते हैं. जैसे हम किसी की भी पोजीशन को निकालने के लिए इनर्शियल फ्रेम की जरूरत पड़ती है. तो फ्रेम का मतलब होता है लोकेशन बताने के लिए. जब हमें एक्स और वाई और ये सारी चीज़ें बताना पड़ती है तो उसको हम फ्रेम बोलते हैं. तो यहाँ इनर्शियल फ्रेम हमारा एक सर्कुलर पाथ. अब ये मान लें कि ए पॉइंट से एक पार्टिकल मूव करना सर्कुलर पाथ में घूमना चालू करता है, ठीक है. तो ये जब सर्कुलर पाथ में घूमता है तो मान लीजिए कि डेल्टा टी टाइम में ये बी पोजीशन पर पहुंच गया. तो सर्कुलर मोशन में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पीड तो एक जैसी होती है लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी अलग अलग होती है. अब वो कैसे होती है, चलो हम यहाँ पर अलग से समझते हैं. यहाँ पर ये समझते हैं कि यहाँ पर पॉइंट ए है और इस ए पर अगर हम एक टेंजेंट खींचे. टेंजेंट क्या करती है फिजिक्स में टेंजेंट जो होता है वो डायरेक्शन बताती है. और टेंजेंट, यहाँ पर एक टेंजेंट खींचते हैं तो इसकी डायरेक्शन यहाँ होगी. मान लीजिए V1 हो गई, इसी प्रकार से ये V2 हो गई, इसी प्रकार से ये V3 हो गई. तो अलग अलग पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर सेम नहीं बन रही है, यानी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर बदल रही है, ठीक है ना. अब स्पीड तो एक जैसी है लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी अलग अलग है. अब यहाँ पर एक और बात होती है कि इसमें सेंटर की ओर एक फोर्स एग्जर्ट होता है और आपको पता होना चाहिए कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन.
मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है। जनरली सामान्यतः इसी प्रकार से जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है। एक केस ऐसा होता है जिसमें आपका फोर्स और एक एक्सीलरेशन अलग डायरेक्शन में होता है, वो कंडीशन अलग होती है जिसको हम सूडो एक्सीलरेशन बोलते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारी बात यहां पर ये होती है कि एक्सीलरेशन हम सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन निकालना चाह रहे हैं, उसका डेरिवेशन करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट पर एक टेंजेंट डालते हैं जिसको हम कहते हैं V1, और इसी प्रकार से B पर भी एक टेंजेंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं V2। और अगर इसको पीछे प्रोड्यूस किया तो ये जो एंगल डेल्टा थीटा है वो भी आपका डेल्टा थीटा बन जाएगा। कैसे बनेगा, चलो हम इसको अलग से ही समझते हैं। यहाँ पर भी इसको भी हम अलग से समझते हैं कि किस प्रकार से ये बन जाएगा। देखिए टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री बनता है, तो ये 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर टेंजेंट और इस रेडियस के बीच में भी 90 डिग्री है, तो ये भी हो गया, और ये डेल्टा थीटा है। इसको हम थोड़ी देर के लिए पी मान लें और इसको हम एक्स मान लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल को हम पी मान लेते हैं और इंटीरियर को एक्स मान लेते हैं। तो ये 90, 90, 180 हो गया, तो रिमेनिंग दोनों एंगल का सम कितना होगा, ये भी आपका 180 होगा। ठीक है ना, क्योंकि चारों एंगल का सम 360 होता है, तो दो एंगल तो 180 डिग्री हो गए, तो रिमेनिंग एंगल कितने हो गए, 180 हो गए। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर x प्लस p कितना होता है, ये भी आपका 180 हो गया लीनियर पेयर की वजह से, ये लीनियर पेयर बन गया ना, तो x प्लस p कितना हो गया, 180 हो गया। तो फर्स्ट और सेकेंड को हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, तो ये x और x कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू क्या आ गई, p की वैल्यू डेल्टा थीटा आ गई। आई होप सो यहाँ पर ये बात यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इस वाले पोर्शन को, बाहर के पोर्शन को हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, इसका नाम ही दे देते हैं ओ ए बी, इसका नाम दे देते हैं पी, और इधर दे देते हैं क्यू, इधर देते हैं कैपिटल आर। ये वाली वेलोसिटी V2 हो गई, ये वाली वेलोसिटी V1 हो गई, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डेल्टा V है। ठीक है, V2 और V1 न्यूमेरिकली V2 और V1 एक जैसा ही है, इसीलिए हमने इसका नाम V दे दिया, क्योंकि सिर्फ इसमें डायरेक्शन चेंज है, बाकी न्यूमेरिक वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, इसीलिए V2 और V1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू V। अब ये ट्रेंगल कौन सा ट्रेंगल, मैं अलग से फिर बना देता हूँ, ये O, ये A और ये B, इसके बीच में डेल्टा थीटा है, तो ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर ट्रेंगल है। अब सिमिलरिटी की कंडीशन तो आपको पता होगी कि दो ट्रेंगल सिमिलर कब होते हैं, जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड या तो प्रोपोर्शनल हो, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रोपोर्शनल हो, या इंक्लूडिंग एंगल, या दोनों साइड प्रोपोर्शनल हो। तो इतने तरीके से हम सिमिलरिटी को प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल है, और ये डेल्टा थीटा, क्योंकि देखो यहाँ पर ओ ए ओ बी इक्वल टू, यहाँ देखिए ओ पी और ओ आर, दोनों ही या आर आर होने की वजह से कट गए, और ओ पी और ओ पी और पी आर दोनों की वेलोसिटी सेम है, ये भी वन हो गया, है ना, और दोनों के डेल्टा थीटा दोनों सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल ऐसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो हम यहाँ का कंसेप्ट लेते हैं डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा एंगल क्या होता है, एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। ओके, अब यहाँ पर आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क क्या है यहाँ पर, ए बी। ओके, और यहाँ पर डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा इक्वल टू आर्क, आर्क क्या है, ए बी अपॉन आर, और यहां पर क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से डेल्टा वी अपॉन वी। इस ए बी को हम क्या डेल्टा एस लिख सकते हैं, ये डेल्टा एस लिख दिया। ठीक है, तो दोनों आपस में बराबर हो गए, तो डेल्टा एस अपॉन आर डेल्टा वी अपॉन वी, इसको हम क्या करते हैं, इस V को हम यहाँ ले लेते हैं, और डेल्टा T को दोनों तरफ से डिवीजन लगाते हैं, डेल्टा T का दोनों तरफ डिवीजन लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा। अब यहाँ पर डेल्टा T लिमिट डाल देते हैं, डेल्टा T टेंड टू जीरो, क्योंकि डेल्टा T जो है अपन ने पॉइंट बहुत क्लोजेस्ट ले लिए, क्योंकि अब आप कहोगे सर क्लोजेस्ट लेने से क्या क्या होता है, देखिए क्लोजेस्ट लेने पर एक्चुअली में आर्क और लीनियर दोनों में डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा, तो इसीलिए
ये जो कंसेप्ट है ये कम डिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है। तो अपन ने क्या करा, डेल्टा टी टेंड टू जीरो, तो डेल्टा टी टेंड टू जीरो होता है उस वक्त क्या हो जाता है, ये डी एस अपॉन डी आर हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, और यहाँ पर डी वी अपॉन डी टी हो जाएगा। तो डी एस अपॉन डी टी ये तो वेलोसिटी हो गई, और ये वेलोसिटी तो वी स्क्वेयर बाय आर, और ये जो एक्सीलरेशन है जिसकी वजह से पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है वो हो गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ओके, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब हम समझते हैं मोशन ऑफ साइक्लिस्ट, कि एक साइकिल वाला गोल गोल चक्कर लगा रहा है, मीन साइक्लिस्ट मूविंग अ सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ बनाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि नॉर्मल फोर्स जो है वो बॉडी के परपेंडिकुलर होता है, एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है, और अगर इसको हम ऊपर ले जाएं एक बेस लाइन और इसके बीच में हम थीटा कंसीडर कर लें और एन के दो कंपोनेंट बांट लें, एन मतलब नॉर्मल फोर्स। किसी किसी किताबों में रिएक्शन आर भी लिखा हुआ रिएक्शन फोर्स को, तो हम यहाँ पर ये थीटा लिया है तो एन कॉस थीटा ले लेंगे जो कि एम जी को बैलेंस करता है, और यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट जो सेंटर की ओर लगता है वो एन साइन थीटा लगता है। अब यहाँ देखिए, अभी हमने पहले ही पढ़ा था कि सेंट्रीपेटल डायरेक्ट कभी भी उसका प्रोडक्शन नहीं होता, सेंट्रीपेटल किसी न किसी फोर्स का कन्वर्शन है, एक प्रकार से उसका रूप बदला हुआ है। तो यहाँ पर जो एन साइन थीटा है मतलब इस नॉर्मल फोर्स का साइन थीटा कंपोनेंट प्रोवाइड सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं तो आपको क्या मिला, यहाँ पर एन साइन थीटा क्या मिलता है, ये सेंट्रीपेटल फोर्स मिला, मतलब एम बी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, और दूसरा फोर्स जो है एन कॉस थीटा इक्वल टू, ये किसके बराबर किसको बैलेंस कर रहा है, ये एम जी को बैलेंस कर रहा है। इस एन साइन थीटा की वजह से ही हम क्या है, साइक्लिस्ट क्या करता है, गोल गोल घूम पाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड का डिवीजन करते हैं, तो एन साइन थीटा अपॉन एन कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय आर, और नीचे एम जी है, एम से एन कैंसिल हो गया, वी स्क्वेयर बाय आर जी, एन एन कैंसिल हो गया, तो ये टेन थीटा आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि आपका एनालिसिस करते हैं। देखिए, डेरिवेशन जब भी होता है तो डेरिवेशन का केवल रिजल्ट निकाल करके रखना ये एक इम्पोर्टेंस नहीं है, सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये रिजल्ट क्या बता रहा है। ये रिजल्ट ये बता रहा है कि टेन थीटा, टेन थीटा मतलब एंगल, इसका झुकाव का एंगल। अब ये टेन थीटा जो है हम चाहते कि गिरे नहीं, और गिरना नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, एंगल को तो कम करना पड़ेगा, ज्यादा झुक गए तो गिर पड़ेंगे, तो हमें थीटा कम करना है। अब ये इसकी इक्वल है वी स्क्वायर बाय आर जी के, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो हमारी कोशिश ये है कि थीटा कम करना है तो हमें डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर क्या बढ़ेगा, क्या जी बढ़ा सकते हैं, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ सकती है, क्या नहीं, तो क्या बढ़ेगा, रेडियस, मतलब अगर हमें गोल चक्कर लगाना हो तो थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, वी शुड हैव टू बी इंक्रीज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, एकदम से नहीं मोड़ना है, हमें थोड़ा सा लंबा चक्कर लेकर के मोड़ना है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात, हम न्यूमरेटर को कम कर सकते, डिनोमिनेटर को बढ़ा करके, न्यूमरेटर को कम करके हम टेन थीटा की वैल्यू कम कर सकते हैं। तो वेलोसिटी कम कर दीजिए, जब टर्निंग हो तो हम क्या करना चाहिए, हमें वेलोसिटी को कम कर देना चाहिए, ये रिजल्ट बता रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको मोशन ऑफ साइक्लिस्ट। अब अगला टॉपिक लेते हैं हम लोग, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड। लेवल सर्कुलर रोड मींस फ्लैट रोड पर कार मूव कर रही है, तो इस पर क्या होता है कि नॉर्मल फोर्स तो ऊपर एक्ट करेगा, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेगा, और जो टायर और रोड के बीच का जो फ्रिक्शन है वो किस तरफ लगेगा, सेंटर की ओर लगेगा। तो अब एक टायर की वजह से F1, F2, F3 और F4, तो यहाँ पर आपका जो फ्रिक्शन है FK, K मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, FS मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, तो FK इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए आपको पता है लॉ ऑफ फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग FK अपॉन नॉर्मल फोर्स इक्वल टू म्यू, यहाँ म्यू सभी टायरों का एक जैसा है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल फोर्स प्रत्येक टायर का अलग अलग है, तो अपन इसको क्या करते हैं, एफ के वन इक्वल टू म्यू एन वन, ये पहला टायर, एफ के टू म्यू एन टू, एफ के थ्री म्यू एन थ्री,
एंड एफ के फोर म्यू एन फोर, ये अलग अलग टायरों का, ठीक है। और नेट फोर्स जो है वो इनके अकॉर्डिंग एफ के वन, एफ के टू, एफ के थ्री, एफ के फोर। तो अब क्या करते हैं, इनकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, म्यू कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एन वन, एन टू, एन थ्री, एन फोर, ठीक है। तो सभी का नॉर्मल फोर्स हम कैपिटल एन लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल एन म्यू। अब डायग्राम में देखते हैं कि नॉर्मल फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को कर रहा है, एफ के इक्वल टू एम जी, और ये हो गया आपका म्यू, म्यू एम जी, ठीक है। जैसा कि मैंने भी आपको पहले बताया था कि सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है वो कहीं से कहां से मिलता है, वो किसी न किसी दूसरे फोर्स का एक चेंज फॉर्म है, उसका एक रूपांतरण है, मतलब उसका एक चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये कहां से मिला, फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होता है, सेंट्रीपेटल के बराबर होता है, मतलब एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होता है। तो यहां पर एफ के की वैल्यू रख देते हैं, एफ के की वैल्यू क्या है, म्यू एम जी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एम एम कैंसल आउट, एम वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू जी आर, या वी इक्वल टू रूट म्यू जी आर, ठीक है। तो ये रिजल्ट क्या बताना चाह रहा है, ये रिजल्ट ये बताना चाह रहा है कि अगर लेवल सर्कुलर रोड पर विदाउट एनी एक्सीडेंट अगर हमें टर्न लेना है तो आपके टायर सही सलामत होने चाहिए, मतलब फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, वेलोसिटी भी जो है आपकी उसमें कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक कंसेप्ट, अब हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, आप अपने कमेंट्स जरूर लिखिए। थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, डेफिनेटली फॉर योर सक्सेस ऑल द क्रेडिट गोज टू योर हार्ड वर्क, बट इफ माय वीडियो विल हेल्प for your success, then I will consider myself lucky. Thank you once again. Take care. Bye-bye.